जो इन्वेजन कहलाता है वो इंटरसेलुलर मतलब सेल में एंटर ही नहीं करी है लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को सेल में डाला गया और उन स्ट्रक्चर से न्यूट्रिशन को लिया गया, तो ये इंटरसेलुलर इन्वेजन होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर जो पैथोजन होते हैं वो या तो सरफेस पर ग्रो करते हैं या सब क्यूटिकुलर रीजन में ग्रो करते हैं। और या फिर इंटरसेलुलरी ग्रो करते हैं, मतलब जो सरफेस पे भी ग्रो कर रहे हैं पैथोजन जो सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं अपने होस्ट एरिया को एपिडर्मल सेल्स में डालते हैं, वहां से न्यूट्रिशन देते हैं। तो सरफेस पर ग्रो करने वाले पैथोजन या सबक्यूटिकुलर रीजन में ग्रो करने वाले पैथोजन और जो डर्मल जगह पर इंटर सेल्स के बीच में ग्रो कर रहे हैं इंटरसेलुलरी ग्रो करा रहे हैं वो सारे के सारे पैथोजन इंटरसेलुलर टाइप का इन्वेजन करते हैं। इंट्रासेलुलर ये इन्वेजन जो इंटरसेलुलर है मेनली फंजाई और बैक्टीरिया एनिमेटोड्स में पाया जाता है। फंजाई बैक्टीरिया एनिमेटोड्स मोस्टली इंटरसेलुलर इन्वेजन करते हैं। जो इंट्रासेलुलर इन्वेजन है इसमें पैथोजन सेल के अंदर चला जाता है और वहां पर रहकर ही वहां से न्यूट्रिशन भी लेता है, वहीं पर मल्टीप्लिकेशन करता है, तो ऐसा इन्वेजन इंट्रासेलुलर इन्वेजन कहलाता है। और ऑल वायरसेस वीरियोइड्स मॉलिक्यूल्स एंड फास्टिडियस बैक्टीरिया ये इंट्रासेलुलर इन्वेजन करते हैं। तो इंट्रासेलुलर इन्वेजन में पैथोजन सेल के अंदर जाकर वहां अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारे प्रोसेस को सेल के अंदर पूरा करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो इवेंट है रिप्रोडक्शन। एक बार इन्वेजन के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली और अपना अमाउंट इंक्रीज करता है। बोथ द स्टेज ऑफ इन्वेजन एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों स्टेज सिम्टोमेटिक स्टेज है। इस स्टेज में प्लांट में सिम्टम दिखाई देने लगते हैं और इन सिम्टम को देखकर हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किस पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है रिप्रोडक्शन में जो पैथोजन है वो बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है और सेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है अपने अमाउंट को इंक्रीज करता है और जब उसका अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट में हो जाता है जब उसका जो स्पोर है या जो रिप्रोडक्शन बॉडीज हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाती हैं और होस्ट इस स्टेज में नहीं रहता है कि उन सब को वो न्यूट्रिशन दे सके फॉर फर्दर डेवलपमेंट, तब डेसिमिनेशन उनका होता है। और ये जो डेसिमिनेशन की स्टेज है वो एक तरीके से सेकेंडरी इनोकुलम की स्टेज है और यहाँ से डिजीज साइकिल दोबारा से वही डिजीज साइकिल दोबारा से रिपीट होगी। तो दो बातें आप ध्यान रखेंगे, इन्वेजन और रिप्रोडक्शन ये सिम्टोमेटिक स्टेज है, इन स्टेज में प्लांट में सिम्टम दिखाई देते हैं और इन सिम्टम के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किस पैथोजन ने प्लांट को इन्फेक्ट किया है, जबकि बाकी स्ट्रेस्ड फोर स्टेज जो है इससे पहले की वो नॉन सिम्टोमेटिक स्टेज है। सिम्टम आ जाते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद जब होस्ट वीक हो जाता है वो
पैथोजन के अमाउंट को कैरी नहीं कर पाता है और फर्दर उसका रिप्रोडक्शन, फर्दर उसकी ग्रोथ उस होस्ट में पॉसिबल नहीं होती है, उस होस्ट के उस पार्ट में पॉसिबल नहीं होती है, तो फिर वो पैथोजन दूसरे पार्ट्स में या दूसरे होस्ट के लिए में ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो जाता है। और इसे जब वो ये स्टेज आती है तो इस स्टेज को हम कहते हैं डेसिमेशन। इस डेसिमेशन स्टेज में जो पैथोजन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर स्पोर बनाता है और ये स्ट्रक्चर और स्पोर फिर नए हेल्दी प्लांट और प्लांट पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं और न्यू डिजीज साइकिल को ऑपरेट करते हैं। इट इज द स्टेज ऑफ सैचुरेशन। When host is very weak and amount and amount of pathogen start to infect other part of host or other host part. तो डेसिमिनेशन में दो तरह के जो यूनिट, दो तरीके से डेसिमिनेशन होता है, एक एबायोटिकली और एक बायोटिकली। पहले देखेंगे डेसिमिनेशन दो टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव डेसिमिनेशन में जो डेसिमिनेटिंग पार्ट है, जो पैथोजन का पार्ट है वो एक्टिवली मूव करता है और न्यू पार्ट या न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो एक्टिवली मूविंग जितने भी इन्फेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्टिव डेसिमिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे जूस स्पोर है या जो स्पोरेंजिया है जो कि फोर्सफुली जिनको डेसिमिनेट किया जाता है वो एक्टिव डेसिमिनेशन में आती हैं। और पैसिव डेसिमिनेशन में वो सारे डेसिमिनेटिंग स्ट्रक्चर पैथोजन के वो सारे इन्फेक्टेड स्ट्रक्चर आते हैं जो किसी भी फिजिकल मीन के द्वारा, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो या कोई ह्यूमन एनिमल या कोई भी बर्ड वगैरह हो, उसके थ्रू वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं या एक पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में जाते हैं। तो उस टाइप के डेसिमिनेशन को पैसिव डेसिमिनेशन कहते हैं। एक्टिव डेसिमिनेशन में जो पैथोजन है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, वो खुद मूव करता है, अपनी एनर्जी को खुद यूज करके वो दूसरे पार्ट पर पहुंचता है, जिसमें हम मेनली रख सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जू स्पोर्स का। और जो पैसिव डेसिमिनेशन है उसमें जो इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू दूसरे प्लांट में जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर आते हैं, सिस्ट आती हैं, जो कि बिना कुछ अपनी एनर्जी को खुद वेस्ट किए पैथोजन दूसरे मीडियम के थ्रू वो दूसरे प्लांट या दूसरे प्लांट पार्ट्स पर पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेसिमिनेशन। जो पैसिव मीडियम है उन मीडियम में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर के थ्रू डेसिमिनेट हो रहे हो या एनिमल, किसी भी एनिमल के थ्रू या बर्ड के थ्रू डेसिमिनेट हो रहे हो। डेसिमिनेशन के बाद वो जो इन्फेक्टेड स्ट्रक्चर है
वो जब नए प्लांट पर पहुंचेगा तो वो उसके लिए एक इनोकुलम की तरह काम करेगा, लेकिन ये इनोकुलम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इनोकुलम कहलाएगा। इसके बाद कुछ प्लांट में और मेनली एनुअल प्लांट में जो पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं उनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओवर सीजनिंग स्ट्रक्चर। ये ओवर सीजनिंग स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पैथोजन को सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। ये दो, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, समर स्पोर एंड विंटर स्पोर। ऐसे स्पोर या ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एडवर्स समर कंडीशन में पैथोजन को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं तो वो कहलाते हैं समर स्पोर, और जो विंटर की एडवर्स कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं विंटर स्पोर। तो ये स्पोर जो होते हैं उनको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कराने के लिए जरूरी होते हैं, और ये स्पोर कभी कभी दूसरे प्लांट पर भी, होस्ट के अल्टरनेट प्लांट पर भी जर्मिनेट कर देते हैं और उस अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिजीज साइकिल है वो डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और ये पार्ट फिर एक के बाद एक रिपीट होते रहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जल्द ही, और उसमें हम कुछ और प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक को समझेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।